एबीएन न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं स्वागत कर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको लेके आए हैं पंजाब व राजस्थान के इस हद पर, पंजाब के आखिरी गाँव डूमरकोट, जहाँ पर पंजाब से आज से एक महीना पहले राजस्थान में सरसों काटने गए परिवार मजदूर लेबर आज एक महीना ख़त्म होने के बाद पंजाब वापस पड़ती है। यह लोगों का जत्था 3 शिफ्टों में आया है और ये इनकी संख्या कम से कम 80 बताई जा रही है। ये पंजाब के अलग अलग जिलों में रहने वाले लोग हैं। जैसे कि हमें पता चला है कि पंजाब के फाजिलका में, फरीदकोट में, श्री मुक्तसर साहिब में और फिरोजपुर के में लोगों ने जाना है। जैसे ही यह लोग आज पंजाब के बॉर्डर डूमरकोट पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से मौजूद पंजाब सरकार द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहाँ पर पहुँचे डॉक्टरों की टीम, एसडीएम की टीम, तहसीलदार की टीम, इन सब की तलाशी ली हुई, इन सब की चेकिंग हुई है, इन्हें कोरोना ना हो इस सब के लिए डॉक्टर की टीम स्पेशल पहुंची और एसडीएम फाजिलका सुभाष खटक अपनी टीम के साथ वहां पर मौजूद रहे। और यहां पहुंचे लोगों से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि वह राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में होली से पहले सरसों की कटाई के लिए गए थे और आज वापस पहुँचे। उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पहुँचने में बड़ी मुश्किलें आई। उन्होंने बताया कि श्री गंगानगर से लेकर डूमरकोट तक वह पैदल पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फाजिलका जिला प्रशासन ने उन्हें यहाँ पर रोक लिया और डॉक्टरों की टीम ने उनका पूरा चेकअप किया और उन्हें अलग अलग अपने घरों तक जाने के लिए फाजिलका जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बसें मुहैया कराई गई हैं। और इस संबंध में जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा है। इसी के साथ ही वहाँ मौजूद सेक्टर अफसर मिस्टर रमन खुराना, डॉक्टर सिविल सर्जन डिपार्टमेंट से गए हुए फार्मासिस्ट अफसर नंबरदार बीएलओ ने इन लोगों के बारे में क्या कहा और उनके साथ ही वहाँ पंजाब पुलिस के पहुँचे भगवान दास सब इंस्पेक्टर ने भी इन लोगों के बारे में कहा। वह सब आपको हम विस्तार से बताएंगे और इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे एबीएन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन्हें सब्सक्राइब करने के लिए अपने राइट साइड का सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ताज़ा खबरें इनसे प्राप्त करते रहें। कितों आए तुम सारे? क्यों अभी गंगानगर के नाम ही आए हैं जी। बात कर ये पिंड केड़ा चनिया पिंड जिला फिर के राजस्थान की करण केस नहीं सरों वडन केस है। कितने दिन हो गए? सानू हो गए जी 2 महीने तो उत्ते ही हो गए जी। असि होली तो 10-12 दिन पहले गए जी होली तो। कदों वेले होए उत्थे? असि होए पे 3-4 तरीक दे वेले होए पे। 3-4 तरीक दे वेले अज वापसी? अज हुण वापसी असि कल दे तुरे हां जी। उत्थे किस चीज ते आयो? पहला तो ट्राली ते छड के गए गंगानगर तक सानू जी। फिर वापस मुड़ गए जी। हुण असि फिर पैदल आए जी उत्थे जी। हुण अगे आपदे पिंड किवें जाओगे? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸਿੰਘਿਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤਹਿਸੀਲ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਂਝੂਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੈਂ ਵਾਂਝੂਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸਰੋਂ ਵੱਢਣ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ? ਵਾਪਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ। ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਨਾਮ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਰੋਂ ਵੱਢਣ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਉਹੀ 10-12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸੀ। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमन कुमार है और मैं एज ए सेक्टर सुपरवाइजर यहाँ पे बतौर काम कर रहा हूँ। ये एरिया मेरे जो है ज्यूरिडिक्शन में आता है। और आज यहाँ क्या हुआ उसके बारे में बताइए। यहाँ राजस्थान के कितने, राजस्थान से कितने लोग पंजाब में आए हैं और उन्होंने कहाँ जाना है, उनके लिए क्या प्रबंध किए गए और वो कैसे आए हैं? जैसा कि यहाँ पे 2 ग्रुप जो है यहाँ पे आए हैं, एक 35 जो है पर्सन्स का ग्रुप है और एक 29 पर्सन का ग्रुप है। टोटल 64 पर्सन यहाँ पे आए हैं। ये जो लोग हैं राजस्थान के अलग अलग एरिया में जो है एग्रीकल्चर के लिए सरों की जो फसल होती है, होली से पहले ये यहाँ से पंजाब से वहाँ पे गए थे, तो अभी वहाँ से ये फ्री होके आए हैं। और जैसा कि हमने इनसे बात करने पर पता चला है कि ये गंगानगर से बिल्कुल पैदल जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दी गई, तो हमारे माननीय
डीसी साहब ने जो है हेल्थ की टीम्स को यहाँ पे भेजा और इनकी प्रॉपर जांच की गई, और अभी इनकी जो है इनको खाने पीने का इनका लंगर की व्यवस्था कर दी गई है और यहीं पे अभी ये मौजूद है सर। हाँ जी, इन्हें सरों कटन वास्ते गए थे रास्ता च, उतों इन्होंने दसा भी सानू 10 बसा गंगानगर लाग गई सी, उतों असी पैदल चल के तो इतने भी बार्डर पर आ गए। बार्डर पर आके सानू जो पता लगे असी उन्होंने रोकया, असी अपने अफसर दसाया इस संबंध तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, डॉक्टर साहब ने उन्होंने चेक किया जी, चेक करके तो उदू मुड़ के इन्होंने हम उन्होंने डीसी साहब गल की वो जो बसा आ रही उन्होंने उन्होंने फाजिलका फिरोजपुर तक जाके आऊंगी। जिन्ना चेक किया गया इन्हें कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया या कोई सिमटम मिले सर? नहीं जी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने चेक किया, उन्होंने दसा भी यह जो कोई किसी से लक्षण है जितने है नहीं, दूरे 29 बंदे रहेंगे चेक करने, 34 बंदे चेक कर ले। जे चेक किए इन्हें सारे की आइडिया पंजाब दी ही ने कि कोई राजस्थान दे ने सर? पंजाब दी जलालाबाद दी 25 बंदे जलालाबाद से अपने फाजिलका जिले के, 6 बंदे है फिरोजपुर जिले के, 3 बंदे फरीदकोट के। थैंक यू जी सर। मेरा नाम गोपाल चंद है, मैं एज ए BLO इतने ड्यूटी करदा जी पिंड बकैन वाला। सुबह सुबह सानू सूचना मिली भी इतने कोई लेबर जी राजस्थान तो बकैन बॉर्डर से आके रुकी है, तो वह सूचना के आधार से असं इतने पहुंचे। सारे हेल्थ डिपार्टमेंट भी तहसीलदार साहब भी आए सी, तो उन्हों की हाजरी से इतने चैकअप किया गया इन्होंने सारे का, इन्हें कोई सिमटम नहीं पाया गया कोरोना वायरस वाला, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहबान ने कहा भी ये ठीक ने सारे। तो इन्हों लेबर काफ़ी दूर तो आई सी, इन्हों लंगर छकया गया, तो हूँ DC साहब वालों बसा का इंतजाम किया गया, तो इन्हों अगे भेजा जाऊगा। हाँ जी सर, तुहाड़ा की नाम है जी? बलवंत राज नंबरदार। किहड़े पिंड तों जी? कैन वाले तों। तुसीं इत्थे किवें पहुंचे जी? सानूं तहसीलदार साहब का फोन आया सी। किस परपज वास्ते आया सी? असीं ये राजस्थान तों बंदे आए सी, राजस्थान तों बंदे आए सीगे जिहड़ी कि उधरों उन्होंने रूट इधर भेजते सी, बॉर्डर है साडा पंजाब दा, ते उन्हां नूं असीं फर्स्ट एड वास्ते आए सी इत्थे देखण वास्ते भी किन्ने बंदे आए ने। 34 बंदे आए ने, उन्हां नूं हरिपुरा गुरद्वारा साहब तों लंगर आया, उन्हों छकाया और उन्होंने टैसट किए ने, सारे सही ने, उस कोई इस तरह का बंदा नहीं पाया गया। लंगर छका के हूँ गड्डी तहसीलदार साहब भेज रहे हैं फाजिलका तो, DC साहब के ऑर्डर नाल गड्डी आ रही है, वो असी उन्होंने जिते के टिकाने उत्थे भेज रहे, बंदे सारे सही सलामत ने, कोई इन्हें कोई इस तरह की गल नहीं, कोरोना वायरस वाला कोई लक्षण नहीं है इन्हें, बंदे सारे रिस्ट पुस्ट ने चेक कराए ने सारे, डॉक्टर की टीम आई सी। डॉक्टर टीम फाजिलका तो आई है अबोहर तो जी? ये अबोहर के भी ने, BLO भी है, सारे स्टाफ भी है, बहुत अच्छा स्टाफ है जी, और पुलिस मुलाजम जोड़े हैं बड़े अच्छी तंदे सारी सेवा कर रहे हैं जी, किसी किस चीज़ की दिक्कत नहीं है इतने, पर कोई आएगी तो इसी के साथ ही मैं आप सभी दर्शकों से ABN चैनल देखने वाले श्रोताओं से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना जैसी महामारी के चलते सरकार के हदायतों को माने, वह घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।